हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है। क्वेश्चन इस तरह से है, 0.75 और 1.2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, या तो ऐसा पूछा जा सकता है कि इनके बीच, ठीक बीच में यानी बिल्कुल मध्य में कौन सी परिमेय संख्या है, और या फिर इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं या 10 परिमेय संख्याएं निकालो, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। मैं दोनों तरह से इसको करूंगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में यह नहीं लिखा था कि कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यही लैंग्वेज थी। तो अगर इस तरह से है कि 0.75 और 1.2 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे? तो 0.75 और 1.2 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या, तो वो होता है, इनको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा, इट विल बी 1.95 अपॉन 2, और इसको डिवाइड करेंगे 0.9, देन 1.57, फिर 1.05, और ये आ गया है। तो ये जो आंसर है, ये इन दोनों संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इनके मध्य में 3 परिमेय संख्याएं निकालो, या 4 निकालो, या 5 निकालो, तो कैसे करेंगे? तो इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, हमें 0.75 और 1.2 के मध्य में हमें बतानी है, मान लो कि हमें 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, और वो 5 भी हो सकती हैं या 10 भी हो सकती हैं, ठीक है। यहां पे देखो, दशमलव के क्वेश्चंस को करने का एक टेक्निक है, पॉइंट के बाद के नंबर ऑफ डिजिट इक्वल करो। यहां पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां पर केवल 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 0 लगा देंगे, ताकि यहां भी 2 डिजिट हो जाए, यहां भी 2 डिजिट हो जाए, और यहां हमें निकालनी है 5 परिमेय संख्याएं। इनके बीच की जो 5 परिमेय संख्याएं हैं, क्या क्या हो सकती हैं? अब आप इन नंबर्स को ठीक से देखो, ये 0.75 है और ये 1.20 है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि देखो, आप इसको मान के चलो कि ये 75 है और ये 120 है, तो इसके बीच में क्या क्या लिख सकते हैं आप 76, 76 लिख सकते हैं, यानी 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.80, 0.81, आप जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कम से कम 100 कहां तक लिख सकते हैं, 1.19 तक तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं इसके और इसके बीच की परिमेय संख्याएं हैं। आपको समझ आ गई बात? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि इनको भिन्न में बदलो। देखो, हमारे पास है 0.75 और 1.2, इतना है, ठीक है ना। हमने इसके बीच निकालनी है 5 परिमेय संख्याएं, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे दशमलव में, सॉरी भिन्न में, तो ये इस तरह से हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इतना तो आपको आई थिंक आइडिया होगा। बस हमें एक काम करना है कि क्योंकि यहां 100 है, इसको भी 100 बनाओ। इसके लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे, तो ये भी 100 बन जाएगा नीचे, और यहां भी 100 हो जाएगा, यानी ये है 75/100 और ये हो जाएगा 120/100। और अब आप जानते हैं कि इनके बीच में आप आराम से संख्याएं लिख सकते हैं, क्या क्या होगा, 76/100, ठीक है ना, 77/100, 78/100, और आप कितना सारा लिख सकते हैं। यह अलग बात है कि अगर आप डिवाइड करते हैं दोबारा, तो ये सब यही आ जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है इसको करने का, जो मैंने आपको यहां पे बताया, जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनको करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। वेल माय डियर, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो पूछना कॉमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।